नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर्प मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के सेवका अबीरपुर गांव से, और बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। अभी रात का वक्त हो रहा है, ऐसे में घर में कोई सांप देखा गया है, तो बिना वक्त गवाए चलिए चल के देखते कहां पे और कौन सा सांप है, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। बक्सवाई दरिया खिंचाई हो जी, उतना ज्यादा मिल जाएगा, इनमें ज्यादा सामान ना ना हो असो और खींचा दूध आने जाओ जरिया हेरो उठाओ घर से अरे दुनिया ने उन्होंने ना कर दिया यार भाई अरे ना कर निकलना जा रहा है हां हां इधर रुक जो आ डबल ना सब सारे डबल चाहिए वो तो सारे दुनिया ले लो ना बी भाई अभी नीचे आ दो दवा नीचे आ दो दवा चलो निकाल ला ये मेरे निकाल ए देखा तेरा दरवाजा से फिर बात खींचा तो नहीं दरवाजा खोला जाए मारे की जो करे मुंडिया इधर निकाल दीजिए आवाज है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि भारतीय नाग सांप है, जो कि यहाँ पर घर के अंदर छुपा हुआ था। ऐसे में हम लोग इसको सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करके यहाँ से दूर ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। फंसा नहीं, वो अपने सेफ साइड के लिए अपने शरीर का आधा हिस्सा अंदर छुपाया हुआ है। अभी पूंछ छुट जाएगी तो पूरी पूंछ अंदर ले लेगा वो।
और सिर जो है बाहर इसलिए किया है कि अगर मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं सामना कर पाऊंगा। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि हर एक रेस्क्यू में हम लोग सुरक्षित और सेफ तरीका अपनाएं, वो तरीका हमारे लिए भी सुरक्षित हो और सांप के लिए भी सुरक्षित हो। ऐसे में हम लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन हम लोग सांप का सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करेंगे। ये जो सांप है ये अन्य सांपों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही साथ ये खतरनाक भी है और वेनमस भी है। ये सांप अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा ही वक्त ले रहा है, ऐसे में अगर ये बहुत ज्यादा वक्त लेता है और आसान तरीके से बाहर नहीं आता है तब हमें आखिरी में मजबूरन इसका सिर पकड़ना पड़ेगा। वैसे हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि हम लोग सांप के सिर को बिना पकड़े उसका रेस्क्यू करें, क्योंकि किसी भी जीव को उसका सिर पकड़ना उतना ज्यादा पसंद नहीं आता। तो अभी हम लोग कुछ और देर तक ट्राई करेंगे कि बिना सिर पकड़े हम लोग उसको बाहर निकालें, अगर ये बाहर नहीं आएगा तब अंत में मजबूरन हमें इसके सिर को पकड़ करके इसको बाहर निकाल के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करना पड़ेगा। नहीं जरा तो पकड़ लीजिए सर को उसके। नहीं सर पकड़ना फिर ठीक नहीं लगता ना। अभी क्या करेंगे, कितने लंबे समय से ट्राई तो कर रहे हैं। काफी लंबे टाइम से ट्राई तो कर रहे हैं कि बिना सिर पकड़े निकल जाए, लेकिन इतने लंबे टाइम से आपने एफर्ट डाला ना बिना सिर पकड़े निकालने के लिए। काफी लंबे वक्त तक प्रयास करने के बाद भी ये सांप आसानी से बाहर नहीं निकला है, ऐसे में मजबूरन हमें इसके सिर को पकड़ना पड़ा। लेकिन इसके सिर को पकड़ते वक्त हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको सांस लेने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, जो इसका ब्रीदिंग का रास्ता है वो खुला रहे। और आप लोग देख सकते हैं शायद सांप को हल्की सी चोट आ गई है, अब वो चोट कैसे आई पता नहीं, या तो ये चोट पहले आ गई होगी क्योंकि घर में सांप निकला था और इन लोगों ने इसे दूर भगाने का भी प्रयास किया था लेकिन ये लोग इसे भगा नहीं पाए, या फिर रेस्क्यू के दौरान ही इसे चोट आई होगी। जैसे भी चोट इसको आई है, हमारा ऐसा कभी भी कोई इरादा नहीं रहता है कि हम लोग किसी भी जीव को जानबूझकर चोट पहुंचाएं, तो ऐसे में हम लोग इसको बहुत हल्की चोट आई उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उस पर हल्दी वगैरह अप्लाई करके इसको यहाँ से दूर ले जा करके इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। कोबरा है, कोबरा हाँ भैया हम दिया। फिलहाल हम लोग उसको बाहर ले आने के बाद इसके घाव पर हल्दी लगा चुके हैं, अभी हम लोग उसको बैग में पैक कर लेंगे और यहाँ से दूर ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। जब तक कि हम लोग उसको बैग में पैक करते हैं मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आप सभी लोगों से साझा कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा को भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पर इसे नाग कहते हैं तो कहीं पर फिटार, तो कहीं पर गेमवन, तो कहीं पर खरीस और कहीं कहीं पर इसे पद्म भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा होता है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स भी पाया जाता है जो अगर किसी भी इंसान या फिर जीव को बाइट कर ले और इलाज ना करवाया जाए तो उस इंसान की मौत भी हो जाती है। कुछ खाया हुआ लग रहा है क्या, उसका पेट थोड़ा सा फूला लग रहा है, कुछ खाया हुआ लग रहा है। चूहा छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं, वही खाया।
खाया इसलिए भागा नहीं तो भाग जाते थे। क्योंकि ये सांप कुछ खाया हुआ था, ऐसे में हम लोग इसको जल्दी से रिलीज करने के लिए आ चुके हैं और ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो अभी अपने भोजन के साथ में ही है, इसने वॉमिटिंग नहीं किया। हमें इसी बात का डर था कि कहीं ये वॉमिट न करते, क्योंकि सांपों का ये नेचुरल प्रोसेस होता है, जब भी इन्हें डर लगता है, खतरा महसूस होता है, ये वॉमिट करते हैं। लेकिन इस बार इसने वॉमिट नहीं किया। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करें जरूर बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।